रोहतक में अवैध ऑटो चालकों के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ शुरू। रोहतक पुलिस ने ऑटो की चेकिंग का अभियान किया शुरू। बिना कागजों के चल रहे थ्री व्हीलरों की धरपकड़ शुरू। रोहतक पुलिस ने शहर में बड़ी संख्या में चल रहे उन ऑटो चालकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है जो बिना कागजों के सड़कों पर ऑटो चला रहे हैं। रोहतक के एसपी पंकज नैन के आदेशों पर शुरू हुए इस अभियान के पहले ही दिन बड़ी संख्या में अवैध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे थ्री व्हीलरों की धरपकड़ की गई। पहले ही दिन रोहतक ट्रैफिक पुलिस ने जिन ऑटो को पकड़ा उनमें से अधिकांश के पास आवश्यक कागजात नहीं थे। किसी के पास परमिट नहीं था तो किसी के पास लाइसेंस ही नहीं था। बहुत से ऑटो चालक तो ऑटो से संबंधित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसी के चलते बहुत सारे थ्री व्हीलर्स को आज रोहतक ट्रैफिक पुलिस ने इंपाउंड किया। रोहतक के अंबेडकर चौक हो या कई अन्य स्थानों पर रोहतक पुलिस ने दिन भर आज पसीना बहाया और सड़कों पर दौड़ रहे थ्री व्हीलर्स के कागजात चेक किए। रोहतक में कई हजार की संख्या में ऑटो प्रतिदिन चलते हैं। इनमें से बहुत बड़ी संख्या उन थ्री व्हीलरों की है जो बेहद खराब स्थिति में हैं। रोहतक के एसपी पंकज नैन का कहना है कि अवैध रूप से ऑटो जो शहर में चल रहे हैं उन्हें अब नहीं चलने दिया जाएगा। शहर में अवैध ऑटो रिक्शा जो चल रहे हैं उनके अगेंस्ट हम अभी अभियान शुरू कर रहे हैं और अगले 10 दिनों में जितने भी इल्लीगल ऑटोज हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं उनको भी शहर से बाहर किया जाएगा, उनको इंफॉर्म किया जाएगा। रोहतक की सड़कों पर नियमों की अवहेलना करते हुए दौड़ रहे यह थ्री व्हीलर अब शायद ही अपनी निरंकुशता दिखा पाएं। गरिमा टाइम्स की रिपोर्ट।